हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे जो एंजाइम कैसे पौधा में यूज करना है और वो हम कैसे यूज कर रहे हैं, वो पूरा डिटेल्स आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम जगह ले लिया, गुड़ लिया, गुड़ यहीं पर हम 100 ग्राम गुड़ लिया। तो आपके पास जो गुड़ है, कोई गुड़ है, खराब गुड़ है, सड़ा हुआ गुड़ है, वो भी चलेगा। अच्छा गुड़ लेने का कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पर हम ये लिया है फ्रेंड्स, ये जो ऑरेंज पील है, ये हम लोग फेंक देते हैं, ये मत फेंकिए फ्रेंड्स, ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो यहीं पर हम छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया और ये सब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये छोटा छोटा काट लीजिए, क्योंकि आसानी होगा बोतल में डालने के टाइम। बस यही चाहिए और 1 लीटर पानी चाहिए। यहीं पर मेरा 300 ग्राम हम नाप के लिया, ये ऑरेंज पील है और 100 ग्राम गुड़ है। तो चलिए फ्रेंड्स कैसे डालना है। तो देखिए हम यहीं पर एक ऐसे प्लास्टिक का बोतल लिया, तो यहीं पर हम पहले ये गुड़ को हम डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ हम पहले छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लेंगे। तो पहले गुड़ को इसके भीतर डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ इधर हम डाल दिया और अभी ये जो ऑरेंज पील है, ये भी हम डाल देंगे। तो रेशियो ऐसा रखिए फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे भी लंबा भी डाल सकते हैं, ऐसे करके इसका भीतर जो घुस जाएगा तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा हम ऑरेंज पील इसके भीतर ये दे दिया और अभी इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहीं पर देखिए फ्रेंड्स, हम 1 लीटर पानी ले लिया, तो इसमें हम डाल देंगे। तो उससे डालने में दिक्कत हो रहा, तो इसलिए हम छोटा जायगा में लेके इसमें डाल रहे हैं। तो पूरा 1 लीटर वाटर है, तो ऐसा करके रेशियो बनाइए। तो वेजिटेबल ज़्यादा है तो नाप लीजिए, 600 ग्राम है तो 2 लीटर वाटर दीजिए, 200 ग्राम गुड़ लीजिए, बस हो जाएगा। ऐसा करके आप लोग रेशियो ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ऐसे ऐसा ही लीजिए फ्रेंड्स, ढकना छोटा होगा तो अच्छा है, ज़्यादा बड़ा लेने से दिक्कत हो सकता है, जल्दी जल्दी वो गैस रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा करके अभी यहीं पर डेट लिख दीजिए, तो हम यहीं पर डेट लिख के रख देंगे। तो यहीं पर हम लिख देंगे 31/3/1, ऐसे करके डेट लिख के रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, और डेट लिख के रख दीजिए तो उससे आपका पता चल जाएगा ये कितना दिन का है। जब 3 मंथ हो जाएगा ये रेडी हो जाएगा, और पूरा 1 महीना इसका थोड़ा ऐसा करके 2 दिन बाद ऐसे थोड़ा ऐसे करके इसका बटल का ढकना खोल के थोड़ा गैस रिलीज कर दीजिए, पूरा मत खुलिए, थोड़ा सा ऐसे खुल के देखिएगा, इसका गैस जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। और फिर अच्छा से बंद करके रख दीजिए और ऐसा जगह में रख दीजिए जहाँ पर ठंडा है, कूल है, वहीं पर रख दीजिए। और जब आपका सामने आएगा, जब आपका टाइम मिलेगा, आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर भी एक जार में बना के रख दिया और ये देखिए, ये हो गया 1 महीना हो गया। तो ये देखिए 1 महीना हम ऐसे इस देखिए गैस देखिए, तो ऐसे करके देखिए
कैसे गैस इसका रिलीज हो गया देखिए। बस फिर इसका ऐसे बंद करके थोड़ा ऐसे घुमा के डाल दीजिए। तो ये एक महीना हो गया, एक महीना जब हो जाएगा तब 10-15 दिन बाद बाद ऐसा करके इसका गैस रिलीज कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद एक महीना बाद इसमें गैस थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर 3 महीना जब हो जाएगा तब जब यूज़ कीजिएगा ये पूरा छान लीजिए, और जो वेस्ट जो फाइबर बच जाएगा वो भी आप लोग कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने से क्या होगा, आपका कंपोस्ट भी जल्दी रेडी हो जाएगा और आपका कंपोस्ट भी बहुत और अच्छा हो जाएगा। और यूज़ कैसे करना है, ये जब 1 लीटर वाटर में 1 ml मिला के यूज़ कर सकते हैं। प्लांट में मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं, प्लांट में भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं, ऐसा कि मैं आप लोग घर में भी क्लीनिंग के काम में भी यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के लिए 1 लीटर वाटर में 1 ml मिला के एक रात भर ओवरनाइट रख दीजिए तो और अच्छा फायदा होगा। और फ्रेंड्स ये और एक बात में ध्यान दीजिए, जो चीज़ आप लीजिएगा थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसका थोड़ा जगह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गैस फॉर्म होगा तो उसके लिए थोड़ा जगह होगा, तो जब गैस नहीं तो ये फट जाएगा, ज़्यादा गैस हो जाएगा तो फट जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा जगह खाली रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हम खाली रख दिया, 3-4 इंची खाली रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये एंजाइम मेरा रेडी हो गया, 3 महीना 3.5 महीना हो गया, ये एकदम रेडी हो गया, और इससे देखिए और एकदम गैस नहीं है। तो आज हम ये छान लेंगे, ये रेडी हो गया, अभी हम यूज़ करेंगे। तो पहले देखिए फ्रेंड्स छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब बनाइएगा ऐसा करके इसका लेबल ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स, डेट नहीं तो आपका आप भूल जाइएगा। गिर गया थोड़ा, सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो पल्प बच गया ये फेंकिए मत फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा एंजाइम का काम करेगा, और ये भी आपका जो गार्डन में जो जब सॉइल मिक्सिंग कीजिएगा उसके साथ मिला के दीजिएगा तो ये भी बहुत फायदा होगा प्लांट में, इसमें भी बहुत छोटा छोटा माइक्रोब्स है। और अभी हम देखिए फ्रेंड्स ये बोतल में भर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसा करके रख दीजिए फ्रेंड्स, और ये एंजाइम आपका बहुत काम में आएगा, और ये बहुत बहुत दिन भी रहता है, ख़राब नहीं होगा। तो फिर भी जो फ्रेंड्स जिस बोतल में रखिएगा वो बोतल का जो कैप है अच्छा से बंद करके रखिए फ्रेंड्स, और वो भी बीच बीच में उसका जो गैस होता है वो भी रिलीज कर दीजिए फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो बहुत दिन बाद बाद आपका आप उसका गैस निकाल दीजिएगा, बहुत दिन बाद उसमें गैस जमता है, तो ऐसा करके रख दीजिए फ्रेंड्स। और जब फिर नया बनाइएगा एंजाइम तो उसमें भी यही एंजाइम का थोड़ा 1-2 चम्मच डाल दीजिए, तो आपका एंजाइम बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। 2-3 चम्मच ऐसे डाल दीजिए तो 1-1.5 महीना में आपका एंजाइम रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और ये भी आप
हर पेड़ पौधा में ऐसे भी पानी में घोल के डाल सकते हैं। वैसे हो गया। और फ्रेंड्स देखिए, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स, यहीं पर हम 2 लीटर पानी लिया, तो 2 लीटर में ये ढक्कन में 2-3 चम्मच दे दीजिए फ्रेंड्स, तो इससे हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले थोड़ा ऐसा करके ले लीजिए, बस हो गया। अभी इसमें भी फ्रेंड्स डेट लिख के रख दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा ये कितना दिन का है। और अभी हम ये स्प्रे करेंगे हर पेड़ पौधा में, तो छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा है वो तो भाग जाएगा। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रेंड्स पेड़ पौधा का पाए जो मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो देखिए, और इसमें जो हम एंजाइम डाला, ये डाल के आप रात भर रख दीजिएगा, तो और अच्छा फायदा मिलेगा और अच्छा एंजाइम स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और अच्छा बढ़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो एक जो प्लांट में स्प्रे करके आप लोगों को दिखाते हैं। और फ्रेंड्स ये शाम के टाइम दीजिएगा तो और अच्छा होता है फ्रेंड्स। अभी हम सुबह में आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग शाम के टाइम जरूर दीजिएगा तो और अच्छा ये एक्टिव हो जाता है, इसका जो असर है, जो गुण है। तो इसलिए आप लोग शाम के टाइम दीजिएगा, जब सूरज ये वो डूब जाता है उस टाइम दे दीजिएगा। अभी हम दे रहे हैं, नहीं तो जब सुबह में जब सूरज नहीं उठता है उस टाइम दे दीजिए, धूप नहीं निकला उस टाइम दे दीजिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो एंजाइम का जो पल्प है, ये आपका जो डस्टबिन है, जो कंपोस्ट बिन है, उसमें डालिएगा तो आपका कंपोस्ट भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। तो आप लोग वहीं पर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए एकदम रेडी है, तो कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, तो आपका कंपोस्ट बहुत अच्छा भी होगा।